नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 9 साइंस का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में हम लोग इसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो जैसे हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और भी जितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो पिछले वाला पार्ट में हमने काइनेटिक एनर्जी खत्म किया। काइनेटिक एनर्जी में होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन है तो मोशन के द्वारा उसमें वेलोसिटी के कारण, उसमें जो वेलोसिटी उसके कारण जो इसमें एनर्जी होती है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन हो जाता है द एनर्जी प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण, ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट के उसके कॉन्फिगरेशन का, उसके शेप के कारण, ठीक है, अगर उसमें एनर्जी आ जाती है तो उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, डेली लाइफ एग्जाम्पल मैं बताता हूं। जैसे कि आप एक कार को लेके एक पहाड़ पे लेके चले गए, ठीक है, एक कार को आप एक पहाड़ पे लेके चले गए तो उसकी पोजीशन ग्राउंड लेवल से एक हाइट पे जाने पे उसमें पोजीशन तो चेंज हो गया, ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। उसी तरह से आप खुद भी ग्राउंड फ्लोर से अपने छत पे चले गए, ठीक है, तो आपकी ग्राउंड लेवल से आपकी हाइट तो बढ़ गई, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ गया, आप में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी और क्या होता है भी और ज्यादा क्लियर होगा। पहले मैं बता रहा हूं कि ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है उसके कारण इसमें एनर्जी आ जाएगी, ओके। अगर इसका शेप का बात करें तो पोजीशन का चेंज, अब शेप के बात करें, एक स्लिंगी ले लेंगे, चाहे एक स्प्रिंग ले लेंगे, चाहे एक रबर बैंड ले लेंगे, उसको हम लोग खींचते हैं, ठीक है। रबर बैंड को खींचेंगे तो उसकी शेप डिस्टॉर्ट हुई, तो शेप डिस्टॉर्ट होने के कारण उसमें जो एनर्जी आ जाती है तो उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। एक जो हाइट पे लेके गए, मतलब कि उसकी पोजीशन चेंज किए थे तो वहां पे एनर्जी चेंज जो हुई उसको पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, और अगर शेप डिस्टॉर्ट भी करते हैं तो भी उसमें जो चेंज होती है उसको भी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि जो धनुष बाण होता है, ठीक है, तो जैसे ही धनुष तीर को अगर हम लोग धनुष पे रख के खींचते हैं तो पीछे वाला जो उसका जो धागा होता है जिसपे तीर को रखा जाता है वो उसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उसका स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जो टेंशन आ जाता है, उसमें जो उसका जो बदलाव होता है उसके शेप में, उसके कारण जो एनर्जी आ जाती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप के कारण, ठीक है, शेप अगर उसका डिस्टॉर्ट होता है, उसका कॉन्फिगरेशन डिस्टॉर्ट होता है, ठीक है, तो उसके कारण, या उसका पोजिशन अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो उसके कारण जो उसमें एनर्जी आती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको हिंदी में स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आती कहते हैं, आती कैसे है, तो सबसे पहले ये समझिए, जैसे कार को मैंने लिफ्ट करके उठा के या कार को ड्राइव करके मैंने एक पहाड़ पे लेके गया, ठीक है, तो पहाड़ पे ले जाने पे, ठीक है, तो उसमें जो आपके द्वारा वर्कडन हुआ, फ्यूल जला उसका, ठीक है, पेट्रोल जला उसका, फ्यूल जला, उसके कारण तो उसमें गई, तो उसमें आपने पहले वर्कडन किया, उसको ऊपर लेके गया तो उसमें एनर्जी कुछ ने खर्च की आपने, तो उसमें कुछ वर्कडन किया जिसके कारण उसमें जो एनर्जी हाइट पे जाने पे उसमें कुछ एनर्जी आ गई जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी करें। उसी तरह से रबर बैंड को अगर हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो पहले तो आपके द्वारा उसमें वर्क डन किया गया ना, तो ऑब्जेक्ट किसी भी अदर थिंग्स के द्वारा अगर किसी ऑब्जेक्ट में वर्क डन किया जाता है और उस वर्क डन के कारण, उसके कारण उसका अगर पोजीशन चेंज होता है, चाहे कॉन्फिगरेशन चेंज होता है, तो उसमें उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो किया गया वर्क डन था उतना ही एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जितना ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाता है उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए या उसके शेप को डिस्टॉर्ट करने के लिए, उसके शेप का कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए, तो जितना उस पे वर्क डन किया गया वो उतना एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है और उसी को हम लोग कहेंगे, जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब ये स्टोर्ड क्या हो जाता है ये आप समझिए। जैसे कि एक कार था, इस एग्जाम्पल से समझिए, एक कार था, ये पहले तो ग्राउंड पे होगी, ठीक है, इसमें फ्यूल जलाए, फ्यूल जला के इसको हम लोग ऊपर हाइट पे लेके चले गए, अभी कार यहाँ पे है, ठीक है, तो इसमें वर्क डन हुआ, मतलब कि अगर आप खुद कार को ठेल के लेके जाओ, चाहे फ्यूल ऑन करके कार को चला के लेके जाओ, फ्यूल तो बर्न हो रहा है, उसमें तो एनर्जी लगा रहे हैं आप बाहर से, बंजी एनर्जी लगा रहे हैं तो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, वर्क डन का तो डिफरेंसिंग है, ये कैपेसिटी टू डू वर्क, तो यहाँ पे तो आप एनर्जी लगाए, यहाँ पे लगा के यहाँ पे आप इस जगह पे इसको पहुंचा दिए, ठीक है। अब इस पोजिशन का, इसका पोजिशन चेंज हो गया तो इसमें एनर्जी जो आ गई उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी।
अब ये कार को आप मान लीजिए बिना ब्रेक लगाए बिना इंजन ऑन किए आप यहां से लुढ़का दो, ठीक है, तो ये अपने आप ही नीचे चली जाएगी। तो अपने आप कैसे जा रही है, इसमें एनर्जी है तभी तो जा रही है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, माउंटेन वाला। अब स्प्रिंग का बात करते हैं, जैसे ही आप स्प्रिंग को खींचते हैं बाहर की ओर, ठीक है, तो आपने इसके शेप को कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, तो आपके द्वारा फोर्स तो लगाया, इसमें वर्क डन लगाया गया था ना, आपके द्वारा एनर्जी लगाई गई थी ना खींचने के लिए, तो यहाँ पे जो आपके द्वारा जो खींचा गया, आपके द्वारा जो वर्क डन किया गया, वही एनर्जी जाके स्प्रिंग में लोड हो गई, ठीक है। अब जैसे ही स्प्रिंग को आप छोड़ते हैं वो वापस अपने शेप पे आ जाता है, ठीक है, तो वापस जो आ रहा है, या फिर उसका स्प्रिंग का आप यूज भी कर सकते हैं, आप एक धागा एक तरफ का छोड़िए एक तरफ का मत छोड़िए, तो आके आपके ही उंगली पे हिट करेगा, तो एनर्जी उसमें तो स्टोर हो गई थी तभी तो वो हिट किया। इसी एनर्जी कंसेप्ट पे स्प्रिंग के जो पहले जो घड़ियां आती थी वो चाबी वाली, उसमें भी स्प्रिंग होता था, उसको चाबी देते पहले आपने उसमें एनर्जी बाहर से डाली, ठीक है, उसमें वर्क डन किया, तो उसमें एनर्जी को पहले आपने स्टोर किया, किस फॉर्म पे स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे हुआ, उसके बाद वो स्प्रिंग धीरे धीरे खुलते जाता था और घड़ी के सुई को चलाते जाता था, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम एरो एंड बो का बात करें, तो धनुष और तीर में क्या होता है कि पहले आपने तीर को धनुष पे रखा, उसका जो पीछे वाला जो धागा है, जैसे ये वाला जो चीज है, पहले तो ये इस पोजिशन पे होगा स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, यहां से यहां बंधा हुआ था स्ट्रेट लाइन पे होगा, ओके। अब जैसे ही तीर को रख के आपने पीछे की ओर जैसे खींचा, तो आपके द्वारा वर्क डन तो हो रहा है ना, कहाँ पे वर्क डन हो रहा है, उसके जो जो पीछे वाला जो धागा है जो लगा रहता है उस पे वर्क डन हो रहा है, उसके कारण उसका आपने शेप को चेंज किया, और जैसे ही आपने उसको छोड़ा तो उस धागे में जो एनर्जी आपके द्वारा लगाई गई थी वो उसमें स्टोर हो गई इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो रिलीज हो जाती है, जैसे ही आपने छोड़ दिया उसको रिलीज हुई और वो सारा एनर्जी ट्रांसफर हो गया एरो में, और वो एरो निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी कहीं रुकता नहीं है, एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म होते रहता है, ठीक है। तो वर्क डन किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसके पोजीशन को चेंज करके, पोजीशन चेंज किया गया या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया गया, उसके जो शेप है उसको चेंज किया गया, तो बाहर से जो वर्क डन हो रहा है तो वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस चीज में स्टोर हो जाती है। फिर आप उसको, आप जो चेंज होगा उसके बाद उसको आप नॉर्मल पोजीशन पर लेके आओगे, या उसको आप जैसे स्टोन को लेके गए छत पे, उसको आप छोड़ दोगे तो वापस से नीचे गिरता है, फिर उसमें जो एनर्जी आती है तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे आई, और वो एनर्जी उसी फॉर्म एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। तो यही इसका कंसेप्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।